क्वेश्चन नंबर 13 बचे, कैपिटल गेन का। प्रोफेसर कशिश नाथ, फटाफट ओपन कर लीजिए। पेज नंबर है 2.213, 213। मिक्सअप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहले हम 9 से स्टार्ट किया था, 9, 10, 11, 12 चार किए थे, मोस्टली सिमिलर से थे, मतलब प्लॉट ले लिया कर लिया, 54EC आ गया, एफ का पॉइंट काफी क्लियर हुआ आपको। आज दोबारा देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कराता हूं, पहले पढ़ते हैं आप। इसमें एक छोटे से पॉइंट कवर है, बड़े छोटे से। करिए शुरू, कर लिया ओपन जी। चलिए, मिस्टर जो है प्रोफेसर कशिश नाथ परचेज टू प्लॉट, बंदे ने कितने प्लॉट परचेज करे जी? दो। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहा है। एक प्लॉट लिया था 1 मार्च 2003 को, कितने का? 2400, तो समझ सकते हैं खुद ही लॉन्ग टर्म हो गया, 2003 में लिया था। और अनदर लिया था अभी, बट थोड़ा सा टाइम चेंज है, 1 मार्च 22, तो गलती मत करना, 1 मार्च 22 अपना इस साल में नहीं आता, वो 21-22 में आता है, 1 मार्च है। अपा क्वेश्चन कौन से साल का सॉल्व कर रहे हैं? 22-23। वेट, पर पीस 22-300 का, ठीक है जी। तो मुझे थोड़ा सा हिंट ऐसे लग रहा है कि पहले वाले को बेच के जो आएगा वो लॉन्ग टर्म आएगा, दूसरे को बेच के क्या आएगा? शॉर्ट टर्म, क्योंकि सॉल्व तो 22-23 को करना है। आगे, ही सोल्ड द प्लॉट 1 मार्च 3 वाला, 1 मार्च ये वाला, ये वाला, ये भी 1 मार्च ही था पर 22 था। ये पहला प्लॉट बेचा कितने का? 190 का, वही तरीका, FEOC 190 स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा प्लॉट बेचा कितने का? 80 का, बट कब बेचा? एक एक कब जी? 23। तो आप पहले सोच सकते हैं, 22-23 बिल्कुल सही, मंथ भी गिन सकते हैं आप लोग। तो 1 मार्च 22 को तो लिया था, 1 जनवरी 23 को बेच दिया, तो मींस कितने महीने हमारे पास था? शायद 10 महीने, 1 मार्च है, जनवरी फरवरी निकला था, 10 महीने के अंदर अंदर ही लेकर आपने बेच दिया। दिक्कत कुछ नहीं है, इस पे जो गेन आएगा वो कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म, 2 साल का इनमूवेबल प्रॉपर्टी का लाइफ है, और इस पे जो गेन आएगा वो कौन सा आएगा? लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म इंडेक्स नहीं होता, मेरे गलती से पता नहीं चलता, Into 331 करके 21-22 का इंडेक्स ले, नहीं नहीं करना, शॉर्ट टर्म कभी भी इंडेक्स नहीं होता। आगे, ही ऑल्सो सोल्ड ज्वेलरी 2 लाख की ऑन द सेम डे, उसी दिन ज्वेलरी बेची जो उसने खुद परचेज की थी 52,000 की 2004 में, बट ईयर पढ़ लेता हूं, एक क्या है ये, 1 अगस्त 2004 में, तो ये कौन सा ईयर आ जाएगा? 4-5, तो ये भी ठीक है। मतलब पहले तो हमें 3 पार्ट सॉल्व करने, प्लॉट वन, प्लॉट टू, ज्वेलरी। ज्वेलरी और प्लॉट वन पे मैं कह सकता हूं लॉन्ग टर्म है, प्लॉट टू पे क्या है? शॉर्ट टर्म। आंसर दिए हुए हैं नीचे, ही इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन, जो मेरा डाउट है आपसे अभी आने वाला, वो क्या? ही इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन, सारे पैसे, सारे पैसे गेन नहीं, सारे पैसे जितने आए, जैसे पहला प्लॉट बेच के कितने आए? 190, दूसरा प्लॉट बेच के क्या आए? 80, ज्वेलरी बेच के क्या आए? 2 लाख, आपने सारे इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसा लॉ तो कहां था कि जितने पैसे आए उतने इन्वेस्ट कर दो तो गेन माफ करूंगा? 54F जहां चलता था प्रोपोर्शनेट, वरना तो ऐसी नौबत आती है ना, वरना हमेशा क्या होता है, गेन और एसेट विच एवर इज लोअर। मैं कह रहा हूं कि मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दे, अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, हिंट में मिल गया, बेचा क्या? प्लॉट, बेचा क्या? ज्वेलरी, ले क्या रहे हैं? घर, तो यहां मिलेगा आपको 54F। अब डाउट क्या आया छोटा सा? सर तो क्लियर ही हो गया, सारे पैसे तो लगा दिए, फिर तो आपके अकॉर्डिंग कोई गेन होना ही नहीं चाहिए, बट मेरा डाउट ये है, जो 54F मिलता है ये सिर्फ कौन सी एसेट के अगेंस्ट मिलता है? लॉन्ग टर्म, मींस दैट आपका सारा आंसर ठीक हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म गेन लास्ट में क्या बचेगा? आंसर, जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ स्लैब रेट, सिंपल। फिर आपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर तो दिए, जो ज्वेलरी से आएंगे वो भी इन्वेस्ट कर दिए, प्लॉट वन से आएंगे लॉन्ग टर्म वो भी इन्वेस्ट कर दिए, तो जितना लॉन्ग टर्म गेन आएगा, पहले निकालेंगे तीनों को, जितना लॉन्ग टर्म गेन आएगा वो तो सारा सारा माफ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट ही 54F नहीं मिलता। तो ये लॉ का काम है, ये रही समरी आपके सामने। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा 54F, पहला ही पॉइंट क्या था? एसेट शुड बी, बस ये पॉइंट था, और पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं, 3 बार सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल सा। लास्ट में कहना है कि लॉन्ग टर्म तो सारी माफ हो जाएगा जी, क्योंकि आपने मुझे एक लाइन ऐसी बोली कि जितना पैसा आता है सारे का सारा आप क्या कर देते हो? इन्वेस्ट। फिर तो बात ही खत्म, मुझे प्रोपोर्शनल करना पड़ता है ना, जितना पैसा आया उसको बेचकर Into 3 आपने लगा दिए, फिर तो सारा गेन ही क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। आगे, कंप्यूट द टैक्सेबल गेन, बताओ प्रोफेसर के हाथ में असेसमेंट ईयर 23-24, अज्यूमिंग दैट ही डिड नॉट, वही कंडीशन, उसके पास पहले कोई घर
नहीं है। ऑन द सेल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिए हुए हैं, करिए सॉल्व। फटाफट शुरू करिए, पहले हेडिंग देखिए, प्लॉट वन, फिर प्लॉट टू, फिर ज्वेलरी, फिर तीनों का साइड पे पर्टिकुलर में चलता जाएगा। फॉर्मेट कैसे बनाओगे? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ प्रोफेसर काशीनाथ, इन द हैंड्स ऑफ प्रोफेसर काशीनाथ फॉर असेसमेंट ईयर। ये हेडिंग प्रॉपर अच्छा दिया करो बच्चे हमेशा, ये अपन छोड़ देते हैं पेपर में। कौन सा नंबर है? 13। ऐसे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ काशीनाथ फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा है जी? 23 होगी। इस तरह से मतलब हेडिंग तो आपने हर क्वेश्चन के आंसर में देके आना, जहां भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगी। कंपोटेशन ऑफ कैपिटल गेन लिख सकते हैं, बंदे का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, एक ही फॉर्मेट है मेरे तो हर चैप्टर में, पर्टिकुलर और साइड पे क्या है? रुपीज। लाइन ड्रॉ करके पर्टिकुलर में आप आराम से सॉल्व कीजिए। पहले किसको लेना बोलो? प्लॉट वन, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगी आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ FVOC। कितने का प्लॉट था देख के बता सकते हैं आप मुझे, जो बेचा पहला प्लॉट? आई थिंक सो 190 का बेचा, 1,90,000 का पहला प्लॉट आपने सेल करा, 1,90,000 का, डन हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस है नहीं, तो सीधा अगर वर्ड बोलूं तो क्या आ सकता है? ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने वो खुद प्लॉट कितने का लिया था? शायद 2,400 का, 2,400 का लिया था, into 331 डिवाइड बाय, आपने कब लिया था? 1 मार्च 3, तो यह आ जाएगा 2-3 में। 2-3 का इंडेक्स हमें क्या दिया हुआ है देख के देखेंगे, 105। कितना दिया हुआ है? 105। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2,800 into 331 डिवाइड बाय 105, 78179, 78179 माइनस कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है इसके। 1,90 था, 111, 881, 1,11,821। तुम अभी के लिए ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कारण कोई नहीं, बाद में क्लब करेंगे ठीक, एक बार के लिए। दूसरा शॉर्ट ही कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है? प्लॉट टू, हाँ इसके आगे लिख देना ये LTCG है, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्लॉट टू का चेक करिए FVOC क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कितना था? 80,000 था, और हमने लिया कितने का था? 22,300। यहाँ इंडेक्स नहीं होगा, पेपर में लिख के आ सकते हैं आप लोग, इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, सो देयर इज नो इंडेक्सेशन इज अलाउड। तो 80,000 में से 22,300 माइनस किया, 57,700। तो इसके आगे लिख देता हूँ STCG, सो नो इंडेक्सेशन इज अलाउड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये भी नोट दिया है आपने। और नेक्स्ट तीसरा कौन सा था? ज्वेलरी। ज्वेलरी में आपको FVOC क्या दिया हुआ था बताया इसने? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए माइनस ICOA। उसने खुद ज्वेलरी कितने की ली थी बच्चे? 52,000 की ली थी, 4-5 में, और 4-5 का इंडेक्स है 113। यहां लिख दूं 52,000 ये, और 113, 152,319 कर देता हूं, 152,319 इसको भी लिख लीजिए। कितना जी? 681 कह रहे हैं, ठीक है, 47681, ये भी लॉन्ग टर्म है। तो आप लास्ट में आके अब एक तरफ कॉलम बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था जी हमारा? 57,700। इसको तो बुक्स कर नहीं सकते बेचारे को, तो अगला बताइए लॉन्ग टर्म का टोटल बताइए क्या था लॉन्ग टर्म। एक तो ये प्लॉट वन पे था, और दूसरा इस पे था ज्वेलरी पे।
ज्वेलरी पे तो था 47681, और प्लॉट वन पे क्या आया था 111821, यही नहीं था 111821, 111821 प्लस 47681 तो 115,9, 500 दोबारा जी बताएंगे तो लिखेंगे एग्जम्पशन यही पे अंदर की तरफ अंडर सेक्शन 54F, एंटायर नेट कंसीडरेशन लिखा था इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, सो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट। आपने हिंट दिया तो माफ कर रहे हैं कि आपने सारे का सारा पैसा क्या कर दिया जी इन्वेस्ट, तो सारे का सारा कैपिटल गेन जितना बनता है बट लॉन्ग टर्म वाला। वहां बच्चा यहाँ गलती क्या कर बैठता है, वो कहता सर आपने तो कहा था सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, प्लॉट टू के भी कर दिए होंगे बट उसका गेन मैं माफ नहीं करवा सकता, इसका गेन माफ करवा देता हूँ। तो लास्ट आंसर इज फाइनली आपका वही आ जाएगा 57, कितना था 700, और ये बचेगा कौन सा शॉर्ट टर्म, टैक्स तो निकालना नहीं आपने वरना इस पे लिख के रहे तो ये कौन सा रेट लगेगा इस पे स्लैब रेट। अब बाकी इनकम के साथ अब मान लो मेरी अदर इनकम 3 लाख है तो प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, सब पे इकट्ठे टैक्स निकलेगा, फिर वही 87 है सब कुछ जो निकलता है, बट अभी वो कुछ नहीं करना। तो देखिए क्वेश्चन, कोई डाउट है बताइए, थोड़ी सी एक नई चीज अपने आप में मिली, आंसर देख लीजिए यही था 111821, 4781, बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गई 54F में। बार बार कह रहा हूं मैं, घर बेच के घर लेंगे तो इसको ले जाओ 54 प्लेन में, सिंपल। लैंड बेच के अब लैंड देते हैं 54B में चले जाओ, डी अभी काम नहीं आया इतना ज्यादा, इसी तो को पता चली गया, बॉन्ड्स वगैरह इन्वेस्ट करने होते हैं 6 महीने के अंदर, और उसमें भी बस क्या है बेच के क्या इन्वेस्ट करना है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अकेली लैंड बिल्डिंग या दोनों कुछ भी बेच के आ जाओ, और लास्ट ये है कुछ भी बेच के घर ले रहे तो ये प्रोपोर्शनेट है बस सिंपल। और इसका लास्ट क्या था डन देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए सर बोलिए। ओके जी क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिए सेल्फ अपने आप, इतने में आगे देखता हूँ कुछ और मिल जाए। 16 पार्टनरशिप फॉर्म क्या यार वो काम ही आएगा, हमने करा नहीं। 15 ट्राई कीजिए जी फटाफट, इतने में और देख लेता हूँ कोई मिल जाए। ये शेयर्स वाला जी समझा देता हूँ मैं आपको, फिर मैं ना बेसिक ढूंढ रहा था कोई ऐसे मिल जाए अपने को एक बार। 18 ट्राई कर लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है मतलब पॉइंट वाइज है, 15 18 फटाफट स्टार्ट कीजिए, बुक्स हैं ना आपके पास डन, मैं शफल कर रहा था 15 और कौन सा कहा मैंने आपको 18 19 भी, प्लॉट वाला क्वेश्चन है एग्जम्पशन वाला क्वेश्चन है, 15 18 19 करिए स्टार्ट जल्दी। आप कौन सा कह रहे थे कराने के लिए 17, पहले 15 करिए बराबर जल्दी। सेल प्राइस दिया हुआ है ज्वेलरी का अक्टूबर 22 में बेचा 15 लाख का, कॉस्ट थी एक्विजिशन की 7 8 में 2 चाली, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया न्यू हाउस में, सुन के क्या पता चलता है ज्वेलरी बेच के घर एफ, बट अभी मत देना अभी वेट करोगे आगे। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, हाँ सर कर सकते हैं क्या दिक्कत है, हाँ बट डेट बता दो कब जमा करें 27 जून, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं 22 23 का, 22 23 में जो भी गेन होता है दोबारा बता दो 22 23 में जो भी गेन होता है कैपिटल गेन उसको बैंक में जो जमा कराने की डेट होती है एज अ इंडिविजुअल बताया नहीं वैसे बंदे का नाम क्या है, तो उसकी डेट होती है 31 जुलाई, कौन सी होती है 31 जुलाई 2023, पर ये भाई साहब कब जमा करा रहे हैं 27 जून, बच गया ठीक है इसको अब मिल जाएगा, बट जमा कराने का भी टाइम है, ऐसे नहीं कि वहीं पड़े रहेंगे पैसे, तो इसको आपने यूज भी करना है, आपने जमा का जो टाइम देखना है, को जमा करवा दिया 31 जुलाई से पहले पहले ठीक है मैं आपको फायदा कर दूंगा आपका, पर का टाइम पीरियड कहाँ से काउंट होगा अक्टूबर 22 से, अक्टूबर 22 से कितना टाइम था घर का मुझे बताएंगे, 1 साल पहले ले लो
दो साल बाद में ले लो, बना रहे हो, इसने हिंट दिया मुझे कंस्ट्रक्शन, तो मैक्सिमम टेन्योर कितना है 3 साल। अक्टूबर 22 में 3 साल करूं तो 23, 24, 25 अक्टूबर, अब बताया नहीं तो बंदे का डेट भी नहीं बताया इसने, तो अक्टूबर 25 ही मान लेते हैं एक बार। तो मतलब अक्टूबर 25 तक जो आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो कितना 8 लाख आपको यूज करना पड़ेगा। ओके अगला, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, उसके पास कोई घर नहीं है ये मानते हुए, कंप्यूट कीजिए डीम्ड कैपिटल गेन इफ ही, क्या है, इफ ही इज एबल टू इन्वेस्ट ओनली, बोला ही था 5 लाख आउट ऑफ कहां से अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अब इसमें पॉइंट क्या आने वाला है जो मेरा डाउट है, सेम इलस्ट्रेशन आपने करी हुई है क्या, गेन जब माफ होगा तो वो भी माफ होगा प्रोपोर्शनेटली, समझा रही है एक बार, आपने क्या करा अमाउंट इन्वेस्ट करे या घर लेने के लिए कितने रुपए 6 लाख सिंपल ज्वेलरी बेच के, और कुछ पैसे कहाँ डाल दिए बच्चे बैंक में, 6 और 8 कितने हो गए 14 लाख। प्रोपोर्शनेटली मैं आपको माफ कर दूंगा, इतना माफ करना चाहिए, बट अल्टीमेट लास्ट में जाके आपने कितने यूज कर पाए उस 8 लाख में, सिर्फ 5, कितने यूज नहीं कर पाए 3, उस 3 लाख का प्रोपोर्शन मुझे दोबारा आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा गेन, और उस पर आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा कब जाके, प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 जब 3 साल पूरे होंगे, मैं तो वेट ही कर सकता हूँ, और प्रीवियस ईयर 25-26 का असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा 26-27। देखो शुरू करिए नॉर्मल कैपिटल गेन निकालिए ज्वेलरी का, FVOC देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे एग्जांपल की वेट थी वही आ गया। हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल गेन क्वेश्चन नंबर कौन सा है वंशी, 15 है बच्चे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बेचा उसने ज्वेलरी है जी, FVOC मुझे देख के बताएंगे क्या यही है, खर्चा तो कोई है नहीं था तो माइनस सीधा ICOA कर दें, बताओगे उसने ज्वेलरी खुद कितने की ली थी, कॉस्ट प्राइस 240, 240 और इंडेक्स तो आज का ही करेंगे, और ली कब थी, ईयर कौन सा था, सेफ इंडेक्स दिया हुआ साथ में, कितना इंडेक्स है 129 इंडेक्स आपको दिया हुआ है, 240 × 331 डिवाइड बाय 129 615814, ठीक है 615814 करिए माइनस 15 लाख माइनस 615814 ये आ रहा है जी 884186, डन हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको अपना तरीका बताता हूँ, मतलब मेरा तो शॉर्टकट है वैसे, आपके मेरे बुक का बता देता हूँ वो कैसे करते हैं, ये सबको पता चल गया क्या आ गया जल्दी बोलना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आराम से लिखिए, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं ना, डन है, सीधा नीचे शुरू हो जाइए फटाफट, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन कौन सा 54 है, अब लॉस नहीं है, कितना गेन था मुझे बताओ 884186, मैं दूसरी बार भी चेक करके बता दूंगा, ये गेन था इनटू, इसने हमें कहा कि पहली बार तो इसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, क्या लेने के लिए घर, मैं इकट्ठे कर देता वैसे 6 और 8 14, पर आपकी बुक अलग करके तो उसी अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि आंसर स्टेप वाइज मैच करे, 6 लाख का आपने घर लिया, कितनी कंसिडरेशन के पीछे मुझे बताएंगे,
प्रोपोर्शनली निकालिए कितना बनता है, तो सीधा इसका मैं 884 186 का इनटू 6/15 कर दूं बस बच्चे, तो पॉइंट्स में मुझे बताना 353674। तो इसको अभी ना माइनस कर लेंगे, इसको 884 186 में से माइनस 353674 बताएंगे क्या आ रहा है, 530512। डन है। माइनस फिर आपकी बुक आगे बोलती है एग्जाम्ड अंडर सेक्शन कौन सा 54F। गलती यहां बच्चा क्या कर बैठता है वैसे, अब आपने कितना गेन कमाया था मुझे बताएंगे, 884186। अब ये मत कर देना कि 53 पे कर देना, यही तो गलती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अपने वाले में गलती नहीं होती ऐसी। आप इकट्ठी कर रहे हैं 14 लाख, तो कह रहे हैं इसमें से आपने अब कितने पैसे पे कमाया था, ये तो आपको पता ही है 15 के पीछे। अब आपने कितने पैसे बैंक में डाले ये बताओ, करो प्रोपोर्शनेट, 884186, 884186 इंटू 8/ सॉरी 884186 इंटू 8/15। क्यों क्यों, तो आपको फिर 2025 में पता चलना ना बच्चे, अभी तो यार 22-23 चल रहा है, वो तब पता चलेगा ना, तब तो उसको उल्टा करेंगे, पर ऐसे ही करना था फिर तो क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, फिर तो आंसर सीधा ही आ जाएगा। इस वजह से कि एक बार तो सरकार ने आपको माफ करा ना, 471566 कर देता हूं मैं, ये मेरा फाइनली एक बार तो गेन है, 5 30 512 में से माइनस करिए 4। शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, 58,000 आ रहा है मेरा तो, 946। इस गेन पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म है 20%, लॉन्ग टर्म है 20% बिना किसी स्लैब रेट के, पता होना चाहिए। हाँ एक्सेप्ट अगर आपकी लॉन्ग इनकम 2.5 लाख से कम है तो डिफरेंट चीज है, वरना इस पे 20%। ये हो गया। अब हुआ क्या, ये जो आपने ईयर का सॉल्व करा पहले देख लो एक बार आराम से बैठ के, हो गया। इसके नीचे मैं लिखना चाहूंगा ये प्रीवियस ईयर कौन सा था, 22-23। एक तो ही क्वेश्चन है जहां पे ऐसा आता है, तो ये असेसमेंट ईयर कौन सा था, 23-24। ये कर दिया। अब गलती क्या हुई, जो मैं टाइम पीरियड काउंट कर रहा हूं, आपने प्रॉपर्टी कब, आपने सॉरी प्रॉपर्टी ज्वेलरी क्या थी, ज्वेलरी सोल्ड कब करी थी ये बताओ, अक्टूबर 22 में। इसमें अगर मैं 3 साल ऐड करता हूं तो टाइम बन जाता है अक्टूबर 2025। अब पता नहीं डेट कौन सी है, तो अक्टूबर सितंबर जो भी होगा, अक्टूबर 2025। बट मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं, कारण क्यों, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 8 लाख बैंक में डाले और मैं यूज ही कितने कर पाया, 5 लाख 3 लाख तो मैं यूज कर ही नहीं पाया। मैं कोई बात नहीं सर, पहले आपने हमसे एग्जम्पशन ली थी ये कह के कि मैं बैंक में पैसे डाल रहा हूं और इस पैसे को यूज करूंगा, पर हम भी चुप रहे, कारण 22-23 की बात थी, और आप क्या पता है कब यूज करें, जैसे घर लगे तुझे काम का तो मैं कर दूंगा, हाँ वेट कर रहे हैं कि तू ना करे तुझे मारे, मैं कह रहा कह रहा ना कर दूंगा, मेरे लिए 5 मिनट का, मुझे पता है कब हो जाना है, आम के लिए आगे पता है कितना बड़ा पहाड़ है, कब काम करेगा, मैं कर देंगे, कोई इरादा करने ना हो जाएगा, बस अपना होगा। मैं सेम सरकार कहती था, तूने मुझे कहा था कि 8 लाख मैंने बैंक में डाल दिया, मैं घर की कंस्ट्रक्शन पे लगाऊंगा, तो मैंने तुझे प्रपोर्शन करके अपना फॉर्मूला लगा के माफ कर दिया। अब कल को जो आप मुझे देखिएगा सेम डे, तो पता ही नहीं कि आप यूज करेंगी भी क्या नहीं करेंगी, मुझे वेट करना पड़ेगा आपका कब तक, 2025। क्या आप लास्ट वाले दिन क्या बताया, 2 लाख इन्वेस्ट कर दे और जाते जाते, तो आपने करे ही नहीं, उसने हिंटी बड़ा प्यारा दिया कि मैं यूज ही कितने करे, सिर्फ 5, तो सीधा तरीका कितने यूज नहीं कर पाए, 3। इस 3 लाख का प्रपोर्शनेट, सीधा 3 लाख नहीं, बच्चा बोल देता है पर मैं जो 3 लाख टैक्सेबल, नहीं, जब माफ आपने मुझे 8/15 का किया था तो टैक्सेबल भी कैसे होगा, सुनने वाली बात है, मुझे ये बताओ 8 लाख के अकॉर्डिंग आपने मुझे कितना माफ किया था, तो मैं सर्कल, हाँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कल कर रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए, इतना आपने मुझे माफ किया था, कितना जी, 471 क्या था, 566। ये कितने के पीछे हमें माफ किया था, इंटू 3 लाख के पीछे कितना बनता है, बस दिस इज माई आंसर, इतनी सी बात थी बस, कि वो जो गेन, तभी आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं सिंपल, कि आपको कितना माफ किया था कितने के पीछे और आज कितना बनता है, तो 471566 इंटू 3/8 कर दे बस, 176 आगे 837। इस पे आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा एज अ लॉन्ग टर्म, और प्रीवियस ईयर कौन से में जाके, 25-26, और असेसमेंट ईयर कौन से में जाके,
26 तारीख। तो ये पेपर में आ सकता है, टीचर पूछेगा कैलकुलेट द कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस ईयर दैट एंड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स, ये रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है और कितने साल आपसे लिंक्ड है। तो ये प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर कौन सा 26 तारीख। चेक करिए क्या यही आंसर है, आराम से देखो आपकी बुक अकॉर्डिंग, आपकी बुक अकॉर्डिंग डन है। अब मेरे अकॉर्डिंग पूछती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये था, ध्यान से सुनना, मैं ये दो स्टेप नहीं करता। आपने दो बार निकाला 6/15 और 8/15, मैं सीधा 14/15 कर देता हूँ। करके देख लीजिए कैलकुलेटर पे कितना गेन आया, 884 टाइप कीजिए, 884 186 सही है, 884 186 इंटू 14/15 सीधा ही इंटू 14 लाख, मैं 15, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने दोनों को अलग अलग ना करूं, कट्ठा ही 6 और 8 14, इनवेस्ट तो करिए सेम ईयर करा है, तो 14/15 करूं इतना माफ बनता है। और कमाया क्या था, 884 186 था क्या, तो ये आ गया 5894, 5.7 या 6 हो जाएगा, यही था हमारा भी। देखो सीधा यहां पहुंच गए, ये स्टेप गायब हो जाएगा, डेट भी ठीक है, जैसे कुछ समझ आए। फिर जब माफ करने लगेंगे फिर वही बात, गलती वहां कर देते हैं बच्चे कि माफ कितना कर था, वो 14 लाख के प्रोपोर्शन था, जैसे भी मुझे याद नहीं आ रहा कितना किया था हमने वहां पर, इन दोनों का करके देख लें, 353674 प्लस 471 कितना था, ये 566 डिवाइड बाय कितने का था, 14 लाख इंटू 3 लाख के पीछे कितना बनता है, तो यार हेलो शॉर्टकट सीधा आंसर, मतलब आप इसका जब प्रोपोर्शन निकालेंगी 14/15 जो भी गेन माफ होगा उस गेन का सीधा कर देना 3/14, ये उतना गेन आपको माफ हुआ था 3 लाख 14 लाख के पीछे, 3 लाख के पीछे कितना बनता है, तो डायरेक्ट आंसर आपका ये वाला जाएगा, ये वाला, जरूरत ही नहीं इतना टाइम वेस्ट करने की बार बार, पर बुक आपकी ऐसी कर रही है। देखो ये रहा इंडेक्स्ड, ये आया लॉन्ग टर्म, इतना माफ हुआ, फिर इतना माफ हुआ यही था, फिर इतना टैक्स लाया, फिर कहता लास्ट में जाके असेसमेंट ईयर चेक करो कौन सा अपना 26 तारीख, इतने के पीछे जो बनता था इतने पे आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। डाउट बताइए, हेलो हेलो, पहले मुझे अमाउंट बताइए आप, माफ कितना हुआ था, 884 186 हुआ था, चेक करो इंटू 14/15 टाइप करके दीजिए मुझे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, 14/15 मतलब 14 लाख है वो, ठीक है ना, मैं लिख ही देता हूँ यार, फिर देखी जाए ये कैसे हो गया, 14 बाय क्या था, 15 लाख, मुझे बताएंगी ये फिगर क्या रहा, 825240 डन है, ये माफ आपको हुआ था। अब दोबारा से जब टैक्सेबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर 26 तारीख के लिए, 8,25,240 माफ हुआ था, ये कितने के पीछे है, हाँ इनटू 3 लाख, जितने हमने कंडीशन तोड़ी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बताओ यही आ रहा है, 176 चेक कर देखो आ रहा है, 8 चेक, ये मेरा शॉर्टकट है, मतलब ठीक है जैसे आपको समझ आता है, बुक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कर लो, पर बुक आपकी हाँ वैसे उसी तरह चलती है, पर ये भी ठीक है, 6 लाख का घर लिया, 8 लाख बैंक में डाले, 14 लाख रुपए पर पोस्ट, दोनों है ही घर के रिगार्डिंग, दोनों है ही घर के रिगार्डिंग, फटाफट देखिए दोनों नोट कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, पेपर में कोई कराना दोनों ही है, आंसर रिमेन सेम, डन हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए 18 18 है, कौन सा है 18 है, ध्यान से करिएगा, कई सारी एसेट्स हैं इसके अंदर छोटी छोटी, कोई ज्वेलरी, कोई हाउस, कोई फर्नीचर, कोई कार, कोई अर्बन लैंड, हर केस का आंसर आपको नीचे नीचे दिया हुआ है, अपने अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देखिए, कुछ लॉ ही क्लियर हो जाएगा आपको इसी बहाने, इसका लॉ ही क्लियर हो जाएगा फटाफट। कई पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है इसके अंदर यार, इसने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी क्या, एक पॉइंट पे करी हुई है, पांचवें वाले पे,
बिल्कुल मतलब करे पैसा अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो माफ तो उतना ही होगा जितना हमने करा है, जितना गेन था उतना ही माफ करके उसको अलग ही करें। करिए जी फटाफट बच्चे। एक एक स्टेप लेके इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। ज्वेलरी कॉस्टिंग कितने की परचेज करी है पहले बताएंगे मुझे। ऑन मैनी प्रॉपर्टीज इंडिया ही सोल्ड सम ऑफ दीज इन प्रीवियस ईयर, किसमें बेच रहे हैं 22-23। ज्वेलरी ली कब थी जब तक 80,000 की जून 20 में, और बेची कितने की 1,00,000 मई 22। पहले तो चेक करो टर्नओवर कितना बनता है। जून 20 से 21-22 2 साल ही बनते हैं, और ज्वेलरी का टाइम क्या होता है 3 साल। हाँ तो यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ज्वेलरी पे। तो आप सिंपल लिख दीजिए FVOC 1 लाख, FVOC 1 लाख माइनस ज्वेलरी 80,000, माइनस कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी 80,000। बताइए जल्दी। डन है जी। अगर मैं आपको पॉइंट देख के बताऊं ना, ध्यान सुनिए, इसके अंदर 5 पॉइंट में से 2 तो लॉन्ग टर्म है। पॉइंट नंबर 2 एंड 5 हाउस एंड लैंड दिख रहा है, ईयर ही बहुत पुराने हैं, मैं सर्कल कर देता हूं। दूसरा एंड पांचवा लॉन्ग टर्म है, पहला शॉर्ट टर्म, चौथा शॉर्ट टर्म कार के कारण, और तीसरा पॉइंट नहीं आएगा कारण हाउस होल्ड फर्नीचर कवर नहीं होता। मूवेबल एसेट में हमने सिर्फ किसको लिया था, ज्वेलरी को लिया था, बिजनेस कार को लिया था, कार अगर वो बिजनेस एसेट के लिए है वैसे नहीं लिया था, इसलिए ये हाउस होल्ड फर्नीचर है, घर का कोई भी एसेट इसमें इंक्लूड नहीं है। पर्सनल मूवेबल एसेट सिर्फ वही अलाउड है, कौन सी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन, अदर वर्क ऑफ आर्ट। बस तो मैंने टिक कर दिए पहला और चौथा पॉइंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा और पांचवा लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स भी होगा, करके देखो। रिश्वा को डाउट, पहला पॉइंट क्लियर है, ज्वेलरी पे शॉर्ट टर्म ड्यू टू 3 साल की लाइफ है, वो भी 2 साल ही हुए, 2 साल भी कम। नहीं जी कुछ भी नहीं, उसको ले देंगे नॉट अ कैपिटल एसेट। लास्ट में नोट लिख क्या ना, हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट। थर्ड पॉइंट सॉल्व नहीं होगा बच्चे, हाउस होल्ड फर्नीचर इज अ इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये लिख कराएंगे आपको जल्दी। हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट अ, इज नॉट अ कैपिटल एसेट। पहले पॉइंट का आंसर आपने बता दिया 20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब कौन सा पॉइंट सॉल्व कर रहे हो। तो दूसरा हाउस है कलकत्ता में, लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, इट वॉज इनहेरिटेड बाई हिम, कब मिला था 84, सेल प्राइस आज बेचा 18.5 लाख का, वैल्यू क्या दी हुई है 5 लाख इन इंग्लिश में 5 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई आपकी 25,000, एक्सपेंस आए 25,000 हो गया, हो गया तो यार 18,50,000 इज द एफओसी, माइनस एक्सपेंसेस 25, नेट कंसिडरेशन 18,25,000, माइनस ICOA माइनस ICOI दोनों को इंडेक्स कर दो, खत्म करिए इंडेक्स। 5 लाख का आपने लिया ×331 डिवाइड बाय 100, और दूसरा 25,000 आपने खर्चा करा है 8-9 में, और 8-9 का इंडेक्स दिया हुआ है
137। करिए फटाफट सॉल्व, हो गया बच्चे। थर्ड करना नहीं, फोर्थ का सिस्टम बता देता हूं, ये जो मर्जी कही जाए, कार कितने की ली हमें इससे मतलब नहीं है। डेप्रिशिएबल एसेट्स पे हमें कंपेयर करना होता है WDV से, बस। WDV कितनी है? 38। बेचा कितने का? 45। इट्स अ गेन ऑफ 7000 एंड ऑलवेज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। डेप्रिशिएबल एसेट्स पे बिना सोचे समझे हमेशा गेन कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म, खत्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दो शॉर्ट टर्म दिखे, 20 और 7, 20 और 7। दो लॉन्ग टर्म आएंगे, हाउस और लैंड, वो आप देख लेना कैसे आएंगे। हाउस तो और लिया यार वैसे, बिल्कुल छोटू जा। हाँ जी बोलिए, जो मर्जी हो, आप कहेंगे 2006 की कार है हमें लेना है, हमें सिर्फ आप बताएंगे WDV, बस। वो जहां WDV आ गया बच्चे, डेप्रिशिएबल एसेट आ गया, कहने का भाव WDV तभी आएगा, तो उसके ऊपर ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा, चाहे आज लो कार चाहे सेम ईयर लेके बेच दो, तब भी शॉर्ट टर्म आएगा उस पर जब मर्जी। तो भले मुझे इसका बताएंगे, हाउस का आंसर आ रहा है, ये ज्वेलरी का हो गया, एक कार का हो गया, लॉन्ग टर्म हाउस का चेक करके बताओ। माफ तो कुछ भी नहीं था, इन्वेस्ट तो करी नहीं उसने, 18,50,000 था, 25 खर्चा आ गया, 18,25,000, और 5 लाख को इंडेक्स कर लिया और 25,000 को इंडेक्स कर लिया, 1,09,599। गुड। अब फोर्थ आपने कर लिया, फिफ्थ अर्बन लैंड है, तभी तो बात शुरू हुई, यही रूरल वर्ड पेपर में डाल दो, खत्म। कारण वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अर्बन लैंड बेची 6.5 लाख की, ली थी 82-83 में 50,000 की, FMV क्या है? 150, तो हम भी क्या लेंगे? 150 और हो जाएगा यार, 150 इंटू 33, 1/100 -650, और आपने न्यू परचेज कर लिया ऑन कंटिन्यूएशन लैंड 1.5 लाख का जून 23 में। और टाइम क्या होता है लैंड परचेज करने के लिए? 2 साल से 2 साल लैंड परचेज करने का टाइम, विद इन 2 ईयर्स करके देख लो, आंसर आपके सामने है। अगर मैं ऐसे देखूं, 150 इंटू 33, 1/100 -650, 3500 रुपये आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है, कारण 153,500 गेन आ रहा है, 1.5 लाख आप इन्वेस्ट कर दिए, 3500 रुपये आपका गेन आ रहा है यार, ठीक है, गुड। मतलब ऐसे क्वेश्चन काफी पेपर में डाल देते हैं, क्वांटम में 10 नंबर में 5 केस डाल दिए, 2 2 नंबर का केस हो जाता है, और लिख के खत्म करना है जब। देखिए कोई डाउट है पूछिए जल्दी। 18 नंबर था जी आपका, एक वंश हो गया, कौन सा डाउट है बोलो। हाँ डन आंसर तारा, कोई भी डाउट है बता देना, आप इसको आगे चलेंगे लेके बोलो। इसी का निर्मला देना बच्चे, चलो आगे। 19 नंबर ट्राई कीजिए, काफी अच्छा है, और इसने लास्ट में क्या पूछा है आंसर तो बाद में देखना, इसने पूछा है ये रहा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया मैंने, डेटरमाइन टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ड्यूरिंग द रेलेवेंट, अभी बता गया था, रेलेवेंट मतलब 25-26 वाला भी कुछ आएगा, सुनते हैं। मिस्टर पवार हैड ओनली वन हाउस इन बॉम्बे विच ही हैपेंस टू सेल इन अक्टूबर 22 में, इंडेक्स तो चलो छोड़ो, 28 लाख का बेचा, फॉलिंग खर्चे हुए, तो FPOC तो पहले देखा जा रहा, 28 लाख का घर बेचा, कॉस्ट ऑफ प्लॉट 3,20 की थी उसकी, डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट 2002 में लिया था, इंडेक्स दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी कराई थी 6-7 में, एडिशन भी करी थी 8-9 में, कुछ नहीं थोड़े पॉइंट ज्यादा बढ़ा रहा है, पर हमारे लिए सारे खर्चे आप सबको COA COA COI यही नाम देंगे। हाँ प्लॉट को आप COA दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को COI दे सकते हैं, एडिशन कंस्ट्रक्शन को COI, जैसे मैं कहूँ 2002 में मैंने प्लॉट लिया, 6 में ग्राउंड फ्लोर बनाया, आगे जाके 8-9 में फर्स्ट फ्लोर और बना दिया, और आज जाके पूरे का पूरा घर बेच दिया 28 लाख में, अब तक हो गया। ही मेक द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, यहां से आपने चलना है, ही परचेज और नोटिफाइड बॉन्ड्स लिए नहाए के 12 मार्च को, पहले नोट करो टाइम क्या था, 10 अक्टूबर को बेचा, कितने टाइम के दौरान बॉन्ड्स लेने चाहिए थे ये बताओ, 6 महीने शायद ले लिए, 10 अक्टूबर, हाँ 9 अप्रैल बनता है, और आपने कब ले लिए? 12 मार्च, ये ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं कि भागते हुए कर देना है। 4 रुपीज 2 लाख, तो इसी का तो पूरा 2 लाख मिल जाएगा, इसी का तो बिना कहे जब मर्जी दे लेना, या 2 लाख मिल जाएगा, पर वैसे बेचा क्या था, हाउस है, ठीक है दिमाग में रहे। परचेज ऑफ अ शॉप ऑन द सेम डे 4 रुपीज कितने की? 2 लाख। शॉप परचेज करने पे देखना पड़ेगा, हमेशा लगता है शॉप परचेज करने पे, क्योंकि ऐसा कोई लॉ हमने भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख वॉज मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 8 अप्रैल 2023, 5 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन द नेशनलाइज बैंक ऑन 20 जून, 2 लाख उसने कहाँ जमा करे? 2 मिनट, ऑन द सेम डे, सॉरी इसी दिन बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख वॉज मेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 8 अप्रैल एंड रुपीज 5 लाख वॉज डिपॉजिटेड नेशनल बैंक 20 जून को फॉर पर्पस ऑफ, किस बात के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, ये हो सकता है,
कि उसने 5 लाख जो बैंक में जमा कराए परचेज करने के लिए घर के, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, अज्यूम दैट ऑन 20 मार्च 25 पहले पहुंच गया अपने अभी वहां तक, ही विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक एंड परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस इन दिल्ली फॉर पीस, कितने का, 4, बैंक में कितने डाले थे, 5 लाख। देखो कंफ्यूज कर रहा है कि 2 लाख की सिक्योरिटी ली, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं 1 लाख की सिक्योरिटी ली, 2 लाख की शॉप ली, मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, 5 लाख आपने बैंक में डाले, 54F आपको मिलना चाहिए, इसमें बी भी मिल जाएगा वैसे अकेला, 54B घर में डाले, और कल जाके आपने 1 लाख रुपए अभी तक यूज नहीं करी। लो जी, पहले तो इसका मुझे सिंपल गेन निकाल के दो, बेसिक शुरू करो पहले तो। शॉप का नहीं आएगा, मैं सबसे शॉप है नहीं कहीं पे, पर जो प्लॉट परचेज करना है नहीं बच्चे कहीं पे, अपने पास है नहीं वो प्लॉट बनना, एफ तो में कहीं नहीं। आप अगर 2 लाख मिल जाएगा आपको इसी में, मैं इसमें कह रहा हूँ घर बेच के जो अपने घर के लिए पैसे जमा कराए, ये वाला लास्ट प्लेन 54। हाँ ना, उसमें घर घर लेना है, शॉप है वो लेना है, जो लेना है परचेज, बेचो कुछ भी, बेचो शॉप, ले लो घर, ये शॉप ले रहा है, हाँ, बेचा घर है, तो वही चीज देखनी पड़ रही है बार बार। तो पहले तो आप मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ, नॉर्मली नॉर्मली आप मुझे कैपिटल गेन बताओ जल्दी। इंडेक्स वगैरह करके, हाँ वही दे रहा है, 54 ही दे रहा है, प्लॉट का नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नहीं मिलेगा, कंफ्यूज कर रहा है घुमा फिरा के कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक में कराई फलाना कराई, कोई काम नहीं, हमें बड़े इसी मिल जाएगा, आपकी बात सही है। वही लिखा है उन्होंने भी, वही पॉइंट है। करिए जी, पहले तो आप गेन निकालिए फटाफट। एफ वी ओ सी क्या लेंगे, 28 लाख, एफ वी ओ सी 28 लाख माइनस खर्चे एक्सपेंस नहीं है ये वाले हैं, माइनस आई सी ओ ए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना दिया हुआ है, 320, 320 इंटू 331 डिवाइड बाय 105, 2002 में प्लॉट किया था, 320 इंटू 331 डिवाइड बाय 105, तो करके बताइए क्या आ रहा है, 10,08,762, 10,08,762 डन। फिर आपने 3 लाख रुपए की क्या करे, कंस्ट्रक्शन इंटू 331 डिवाइड बाय 122 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 122, तो ये आ रहा है जनाब 8,13,934, 813,934, 813,934। फिर आपने फिर 80,000 पे खर्च करे इंटू 331 डिवाइड बाय 137, 80,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 137, तो 193,285, 193 है लास्ट वाला 80,000 वाला, हाँ 193,285 माइनस करो सारी चीजें, तीनों कॉस्ट 28 लाख में से माइनस कर लीजिए, क्या आ रहा है मुझे बताएंगे, सामने 784019 ये आ रहा है, और मैं साफ बोल चुका दो एग्जम्पशंस मिलेंगी सिर्फ, एक अंडरलाइन कर दूं, नहाए वाली नेशनल हाईवे वाली 54EC में, पहले बता दूं कोई शॉप की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी बच्चे, शॉप बेचकर घर ले सकते हैं, घर बेचकर शॉप लेने का कोई प्रबंध नहीं है, और 1 लाख आपने इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंफ्यूज कर रहा है, पूरे लॉ में मैंने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात नहीं करी, सिर्फ वो ईसी के अंदर ही था, हम जो भी थे जो भी बॉन्ड्स थे ईसी के अंदर ही थे डन, और आपने 5 लाख रुपए जमा करे बैंक में घर खरीदने के लिए, घर के बदले घर, तो अब लिखेंगी माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 5 लाख पूरे का पूरा दे दूंगा एक बार, तो माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 प्लेन 54, 5 लाख, कोई लॉ क्या कहता है, जितने पैसे जमा करे और जितना गेन विच एवर इज लोअर, ये 5 लाख मिल गया, उसी में से माइनस करूंगा, मैं तो कह रहा हूं लगे हाथ 54EC, उसके नीचे लिखिए अंडर सेक्शन 54EC कितना माफ करेंगे, 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7, गेन कितना था 784, तो
तो ये 7 लाख आपका वंशिका माफ हो गया, तो गेन ही कितना बचा बचे सिर्फ 84019। क्या डाउट आ गया जी, बोलिए पूछिए। कहाँ पे जी आप? यहाँ पे कहीं डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट दिया। हाँ जी हाँ, दोनों सेम ही आते, बिल्कुल आता। हाँ वो तो आपने, इन्होंने थोड़ी एग्जांपल ज्यादा टेक्निकल कर दी, जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। प्लॉट दिया, फिर घर बनाया, फिर उसके ऊपर फिर घर बनाया, वन ऑफ डेट क्या बोलते हैं, हाउस लिया, हाउस के ऊपर आप क्या करते हैं, रेनोवेशन ऑल्टरेशन एडिशन डिलीशन करते, नहीं फ्लोर उठवा दिया। आजकल मान के मैं कहूँ मैंने एक नया घर लिया, ऑलरेडी 2 फ्लोर बने हुए थे, यहाँ पर ले लिया और 30 हजार बना दिया, तो वो इम्प्रूवमेंट में आता है वैसे वो चीज। तो इन्होंने लिया ही प्लॉट था, तो वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा ना, सीधा एडिशन नहीं बोल सकता मैं ये। और माफ कितना होगा ये बात करो मेरे से, 5 लाख माफ होगा 54 के अंदर, क्योंकि लॉ कहता है जितने बैंक में डाले और जितना गेन, विच एवर इज लोअर, सीधा सीधी बात। तो 5 लाख माफ हो गया, इसी में 2 लाख माफ हो गया जो नहाए के बॉन्ड्स दिया आपने, तो 7 लाख माफ हो गया, 84019 आपका टैक्सेबल। अब एक नई समस्या आके आई है छोटी सी, जो आपकी बुक ने आंसर लिखा है, बड़ा अजीब है वैसे सर, ये लिख के नहीं आना चाहिए। क्यों? हमने क्या कहा था अगर आपको याद हो, लॉ अकेले 54 का, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं घर के अंदर, जो लॉ है बच्चा को मिक्स कर देता है कई बार, या बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ ये सही कर रहे हैं, वो मिक्स क्या करते हैं, ये लॉ, ये समरी में है ये, कि जो न्यू एसेट हमने ली है वो बेचने ही नहीं है। पर देखा जाए अभी तो हमने न्यू एसेट ली ही नहीं है, हमें सिर्फ उसमें से 5 लाख बैंक में डाले थे, उसमें से कितने यूज करें अब तक जल्दी बोलेंगे, 4 लाख। और कब तक यूज करें अब तक, पहले ये देख, मार्च 25, तो पहले मैं कहना चाहूंगा वेट करो, क्योंकि एसेट कब बेचिए मुझे ये बताओ, अक्टूबर 25, मैं अपना जजमेंट नहीं दे पाऊंगा एकदम से, अक्टूबर 25, अक्टूबर 22, अक्टूबर 22 में 3 साल जोड़ो, वही 23, 24, 25, अक्टूबर 25 को मेरा टाइम क्या होता है, एक बार फिनिश होता है। बार बाबू जी ने मार्च 25 में अभी तक कितना यूज करे, चार, अभी भी 1 लाख पेंडिंग है और टाइम भी पेंडिंग है। पर उसने पूछा आंसर क्या था, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का भी आंसर बता दो, उसने आगे हिंट कुछ नहीं दिया कि वो 1 लाख यूज करेगा नहीं करेगा, क्या इंफॉर्मेशन है। तो आपकी बुक ने उसका आंसर क्या मान लिया, डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि बच्चा कहता है ये नहीं लगना चाहिए सर कि जो अगली बार आपने एसेट ली है उसकी कॉस्ट में से क्या करना चाहिए, माइनस। ये तब लगता है अगर आप न्यू एसेट जो खरीदी है कितने की जल्दी बोलना, इसको अगर आप कल को जाके क्या करती, सेल, मैंने बल्कि इसको सेल नहीं करा, फर्क समझो, फर्क समझो, पहली बार पॉइंट आया ये 54 के अंदर, वरना 54 के अंदर ऐसा कभी पॉइंट आया ही नहीं, हमेशा 54 के अंदर क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन में था घर ले लिया, घर बेच के घर ले लिया, आगे फिर बेच दिया। तो इस घर को जब बेचते थे हम लोग, तो इसकी कॉस्ट में से जो एग्जाम्ड कैपिटल गेन था वो क्या करते थे, माइनस। बट आज वो माइनस नहीं कर रहा, कारण कि मैंने घर नहीं बेचा, बल्कि मैं अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो अमाउंट ना यूटिलाइज करने की वजह से सरकार ने उस साल में जाके 25-26 असेसमेंट ईयर कौन सा बन गया, 26-27 में मेरा वो 1 लाख का क्या बना दिया, डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को, ये पॉइंट आना चाहिए, 3 इयर्स लैप्स लिख करके नोट देके, 3 इयर्स लैप्स इन प्रीवियस ईयर किस खत्म हो रहे हैं, 3 इयर्स लैप्स इन प्रीवियस ईयर 25-26, 3 इयर्स लैप्स इन प्रीवियस ईयर 25-26 ब्रैकेट में लिख सकती हैं, डेट भी आपको याद है अक्टूबर 25, अक्टूबर 25 को खत्म हो रहा है। सो द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, सो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इज टैक्सेबल एज अ, इज टैक्सेबल एज अ डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कि मैं यूज नहीं कर पाया, एज अ डीम्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन असेसमेंट ईयर 26-27, इन ए वाई के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन ए वाई असेसमेंट ईयर 26-27। फिर कहूंगा फर्क समझो, एसेट लेके 3 साल के भीतर बेच देना अलग चीज है, अमाउंट ना यूज कर पाना अलग चीज है, बस दोनों फर्क है। अब आप 5 लाख हमने मुझसे माफ करवा लिया था, जबकि आपने 1 लाख तो यूज करा ही नहीं, पर फिर वही बात, मैं अभी टैक्स नहीं कर सकता, वेट करना पड़ेगा 2025 तक, तब जाके मैं आपसे बात कर सकता हूं। अभी मैंने आपके कौन सा लिख किया था, यही किया था अपने 19, आगे कौन सा बताया जी मैंने आपको,
अबे मोस्टली आगे जो मैं देख रहा हूँ, कोई शेयर्स वाले हैं, कोई कौन से वाले हैं, वो भी कराऊंगा जी। तो 2 मिनट का क्वेश्चन है बच्चे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। बोनस का, शेयर का ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। पहले मैं देख रहा हूँ, एक ना वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं था हमारे पास, 27 कि अगर कहीं कहीं बिल जाता है। ये रहा, यही है ना वो, ये बेचा प्लॉट डिवेंचर हाउस। लो जी 27 नंबर स्टार्ट कीजिए। आइए 3 बार गेन निकालना है अपने, फटाफट 27 नंबर बचे। अच्छा तीनों ही सेम है, तो 28 भी ऐसा ही है, 29 भी ऐसा ही है। चलो फिर जल्दी आइए, 27 नंबर बचे। मैं पहले रीड कराऊंगा फिर आप स्टार्ट करना। मिस्टर जी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, कौन से में, 22-23। 3 प्रकार के अभिनव एसेट बेच रहे हैं, एक बेच रहे हैं हाउस, एक बेच रहे हैं प्लॉट, एक बेच रहे हैं डिबेंचर। याद करना, डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, सीधा आंसर हो जाएगा, चुपचाप माइनस हो जाएगा। प्लॉट और हाउस पे करना पड़ेगा आपको कुछ। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है 2002, इसकी 2004। इंडेक्स CII, फुल फॉर्म कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्या होता है ये, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई है, ऊपर हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्या दिया हुआ है अपना, एक्विजिशन। डेट ऑफ सेल दी हुई है 22-22, ठीक है। सेल प्राइस दी हुई है, मैं तो कहूंगा चुपचाप पहले दो गेन निकालते हैं। पहले दो का आ जाएगा लॉन्ग टर्म, लास्ट वाले का भी देख ही देता हूँ लॉन्ग टर्म, बट इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा। तो फिर तो सर बात ही क्या है, 4 लाख के बेच रहे हो, 2 लाख के लिए थे, 2 लाख का गेन आ गया, वो तो क्लियर हो गया। आगे इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करी, डेट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट इन्वेस्टेड। एक तो घर लिया आपने 19-11-22 को, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 16 लाख रुपए। और एक बॉन्ड्स लिया आपने, REC के, याद आ गया होगा, 5 बॉन्ड्स हैं, 3-4 बॉन्ड्स हैं, नहाए के, पावर फाइनेंस के, रूडर के और इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी के, ये आपके सामने है। 15-11 को ले लिए, पर टाइम नोट करना पड़ेगा, विद इन 6 महीने में बॉन्ड्स देने होते हैं। अगर 15-5 को एसेट बेच रहे हो, 6 महीने कब तक बनते हैं, मतलब ये बनते हैं 5-11, पूरा पूरा टाइम बनता है, विद इन ही आ गया आई थिंक सो। इधर 17-5 मानू तो ये तो फिर बनता ही बनता है, 2 दिन की एक्स्ट्रा नहीं, एक दिन बैक होता है ना 16 तारीख, तो यहाँ पे मैं कहूँ तो 14 तारीख बनती है, तो इसमें नहीं दे पाऊंगा। इसका गेन जो भी आएगा प्लॉट का, वो इसी में कन्वर्ट कर दूंगा। आंसर नीचे दिया हुआ, फटाफट सॉल्व करिए। पहले शुरू करिए तीनों का गेन फटाफट। नंबर 1 रेजिडेंशियल हाउस, हेडिंग दीजिए। इसमें भी वो है नहीं वैसे, वो परसेंटेज वाला पॉइंट जो मैं कह रहा था अभी आया नहीं, इसमें वो गेन का इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी बस। हाँ ठीक है, इसी और प्लॉट में से मिल जाएगा। क्या जी मैं इसमें वो पॉइंट नहीं होते जो मैं कह रहा था, वो परसेंटेज वाला नहीं है अभी, वो एक्चुअली और चीज है। वो जहां चलता है ना 54F चले, मतलब हाउस ना बेचा हो, हाउस बेच के हाउस लेंगी तो फिर 54 ही आ जाएगा, इस वजह से अभी वो पॉइंट अभी नहीं। वो बुक में था ये वाला प्लॉट ज्वेलरी और हाउस नहीं था, वहां पे भी कुछ और ही था। ये हाउस ही बोल रहे हैं सब में यार, सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, ये तो मुझे लगता है रिपीट ही हो गया। 29 नंबर तो
तीनों को पर्टिकुलर वाइज सॉल्व कर रहे हो या लाइन वाइज? तरीके से पहले हाउस, प्लॉट एंड डिबेंचर्स, इसको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट थोड़े डिफरेंट है। आपने पहले कौन सा सॉल्व करा है पहले मुझे बताएंगे, मैं इसको लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आपकी बुक ने, हाँ आपकी बुक जैसे इसको सॉल्व कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 27 है। हाउस के बाद क्या है, प्लॉट है एंड डिबेंचर्स है, एक बार देख लीजिए। तो पहले मुझे तीनों का FVOC, तीनों क्वेश्चन सेम है, 28 29 डिटो सेम है, रीड करवा दूंगा, एक आप समझ लीजिए, दो आप ट्राई कर सकते हैं आराम से कर जाके। FVOC बताइए मुझे, हाउस का क्या है, हाउस का आराम से एक एक वर्ड के कवर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाय चांस दिया गया, इसमें एक पॉइंट कवर हो जाएगा 20 लाख रुपए। और प्लॉट का क्या है, प्लॉट का 4 लाख, FVOC ना, डिबेंचर्स का भी शायद 4 लाख ही था। अगर यहां बात करें इंडेक्स की, डिबेंचर्स पे तो इंडेक्स है ही नहीं, तो इनका इंडेक्स की पहले बात कराओ। हाउस कितने का लिया था आपने, 4 10 का लिया था, इंटू 331, इंडेक्स देख के बताओ 100 मतलब पुराना घर है क्या, तो 4 10 इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो 13,57,100। चलो इसको बाद में कर देंगे जो हो, ठीक है। दूसरे का बताओ, प्लॉट का 90,000 का प्लॉट लिया था, 331 कब लिया था, 113, तो 90,000 इंटू 331 डिवाइड बाई 113, ध्यान से करना इसको, तो ये आ रहा है 263,628, पहले देख लीजिए, सही है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। और इस केस में तो चलो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, मैं यहीं पे एक हाइफ़न दे देता हूँ, ICOA या COA, क्योंकि डिबेंचर्स के केस में इंडेक्स तो होता नहीं, तो उसके लिए वर्ड क्या चलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए था यही लिख देता हूँ, 2 लाख, डन हो रहा ना, यहीं पे माइनस का साइन दे दिया, तीनों का कर दिया बेटे, ठीक है। और यहाँ तीनों को बराबर आंसर मिल, पहले का आंसर देख के बताओ, 20 लाख में से 6,42,900, ध्यान चलना है क्वेश्चन काफी यहाँ पे टेक्निकल हो जाएगा, 6,42,900 हो गया, ये बताएंगे 4 लाख में से 2,63 जो भी है, 136,37,2, 136,372, इधर तो सबको पता ही है, इट्स 2 लाख, डन है ना। अब यहां समस्या थोड़ी सी दो है, एक तो उसने घर लिया सारा करने के बावजूद, चेक कर लीजिए मेरे साथ साथ पहले सब छोड़ के, एक तो उसने घर लिया और एक बॉन्ड लिए, और घर भी कितने का लिया, अच्छा खासा 16 लाख का, पर पॉइंट ये है सीधा एफ नहीं लगा सकते, घर भी तो बेचा है, तो घर बेच के घर लेने में तो फिर फायदा वहां है, और वहां फायदा क्या है ध्यान से सुनना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये वो क्वेश्चन एक तरह का है कि जिसमें मैं तीनों की परसेंटेज निकालूंगी, वो नहीं, दो की परसेंटेज जरूर निकालूंगा लास्ट वाले प्लॉट और डिवेंचर, उसमें भी एक किंतु परंतु एक और है, वो क्या है सुनना। पहले तो एक काम कर देते हैं, इसको रफा दफा करते हैं, किसको पहले हेडिंग देते हैं एग्जम्पशन, आराम से सुनना, अंडर सेक्शन 54, मुझे ये बताइएगा 54 प्लेन क्या कहते हैं, जितना गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, गेन कितना है बहुत छोटा 642,900, अगर मैं यहां इसको लिखूं, जितना गेन और कॉस्ट ऑफ क्या न्यू एसेट विच एवरेज, ध्यान से सुनना, विच एवरेज लोअर, तो फिर तो 642 वही डन हो गया और इसका आंसर तो नील हो गया, बट दिमाग ये कहता है या बुक्स ये कहती हैं, तो फिर नुकसान ही तो हुआ सर। मैं कैसे नुकसान हो गया, कहता सर आपने एक्चुअली जो इन्वेस्ट करे वो कितने थे, 16 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से आपको माफ कितने हुए, अगर हम बात करें 642 कितने 900, अभी भी कितने पेंडिंग पड़े हैं सोच के बताइए, माइनस 6 कितना है, माइनस 642,900, अभी भी कितने पेंडिंग पड़े हैं 957 कितना 100, इन्वेस्ट तो करें ना,
अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज क्या होता है सर, ये तो एक ही बात नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे बुक्स एक ही घर पे दो एग्जम्पशन क्लेम कराता है, अभी तब जब वेरियस एसेट सेल करी हो, अदरवाइज नहीं होता ऐसा, अदरवाइज नहीं होता। कैसे? आपने इन्वेस्ट तो 16 लाख करे ना, पर इन्वेस्ट वाला लॉ किसको लेके चलता है? 54F को लेके, और तो सेक्शन बात नहीं करता इन्वेस्ट को लेके, बाकी सेक्शन तो क्या बात करते हैं, गेन और एसेट विच एवर इज लोअर। तो मैंने पहले आपकी बात रखी कि आप घर लेके घर लो और जितना गेन है उसका माफ कराओ, पर अभी भी एक्चुअली मैंने तो अपनी जान में इतने अच्छा, मैंने अगर गेन माफ करा नहीं होता फिर मैं 16 लाख क्यों इन्वेस्ट करता, फिर तो मैं 642,900 इन्वेस्ट करता और मेरा गेन सारा माफ हो जाता। तो सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, जो आपने ये इन्वेस्ट करा है इसका भी आपको एग्जम्पशन देंगे, बट ये मिलेगी एज अ कुछ भी बेचकर कह लिया घर जो करा था वो भी है। अब पैसे तो तीनों से बेच के आए, बच्चा अपना सोचता है सर आए तो देखो हाउस बेच के ना 20 लाख था, मैं कहा फिर आप मिक्स कर रहे हो, किसने कहा है कि 20 लाख बेच के मैंने 16 लाख का घर लिया हो, शायद मैंने कहीं और यूज कर दिया हो, मैंने प्लॉट का पैसा या एडवेंचर का पैसा। जब ऐसा नहीं पता तो आप अपना बेनिफिट तो करा के आएंगे ना वहां पे, कि मैं पहले माफ करूंगा 54 में, जो कहता है घर बेच के घर लो, गेन और एसेट विच एवर इज लोअर, मैंने माफ किया बच गया, पर इतना ही माफ कर पाऊंगा, इतने पैसे अभी भी मुझे क्या लग रहे हैं मेरे वेस्ट लग रहे हैं, मैं वेस्ट नहीं होंगे चिंता ना करो, इसको माफ कराऊंगा अकॉर्डिंग टू कहां पे 54F। इतने में आप बोल पड़े सर मैंने 1:20 के क्या लिए हैं जल्दी बोलो, बॉन्ड्स कराने को तो मैं इस घर को तो माफ कराने से तो जीरो हो गया, अब बॉन्ड्स क्या बेच कर लेते थे पहले ये बताओ, प्लॉट मतलब डिबेंचर्स का पैसा मैं इसी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता कि तू तो शांत हो जा, क्योंकि जो इसी में पैसा लगता है चेक करिए, जो इसी में पैसा लगता है वो अपना कौन सा होगा जी, वो सिर्फ क्या बेच के आना चेक करो, इसी में जो पैसा लगता है सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बहुत लैंड मतलब प्लॉट बिल्डिंग और दोनों कट्ठे मिला के। तो आपने कितने इन्वेस्ट करे थे मुझे यहाँ पे बताएंगे, 1:20 क्वेश्चन में चेक कर लो कितने इन्वेस्ट करे थे आपने, 1:20, तो मैं कहना चाहूंगा तू 1:20 तो यहाँ माफ करा ले, यहाँ पेपर बार बार लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे आके कि अंडर सेक्शन 1:20 यहाँ माफ हो जाएगा, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहिए, ईसी माइनस करके बताइए अभी भी कितना बच रहा है, अगर 1:20 माफ कर भी दूं तो 16,372 ये बच रहा है जी, एक बार सोच लो आराम से, डन है ये भी बच रहा है, ये 2 लाख तो पड़े ही पड़े आपके पास डिबेंचर्स का, डन हो गया। अब जो 54 बचा लास्ट सेक्शन, देखो तीन एग्जम्पशन आपके सामने आई, मैं रेड पेंसिल कर देता हूँ, एक आई 54, एक आई 54 ईसी, और अब तीसरी आने वाली है कौन सी, 54F, कुछ भी बेच के घर में पैसे लगाओ, तो लगाए तो लगाए, अब जितने मर्जी लगाए 16 लाख 18 लगाए कुछ भी बेच के। तो मैंने कहा जी यहाँ पे हमने तो यहाँ प्रपोर्शन अपना बनते जा रहा है, अगर मैं परसेंटेज चेक करूं या आप भी चेक कर सकती हैं परसेंटेज जो ये निकालता है, पहली बात तो आप परसेंटेज निकालेंगे किसकी, सिर्फ दो चीज की, एक निकालेंगे किसकी प्लॉट और एक परसेंटेज निकालेंगे किसकी डिबेंचर्स, तो मुझे देख के बताएंगे डिबेंचर्स पे कितना कमाया था आपने, 2 लाख, कितने के पीछे, 4 लाख के पीछे, तो ये अपने आप में कितने परसेंट है, 50%, डन हो गया। और मेरे अकॉर्डिंग जो परसेंटेज निकालनी चाहिए गेन की तो ये इसकी निकलनी चाहिए, पर आपकी बुक 1:36 की निकालती है, चलो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 1:36 कितना गेन आया था, 372 डिवाइड बाय कितने के पीछे आया था, ये भी 4 लाख इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है बताएंगे, ये 1:36 372 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 लाख 34.09% हो गया। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें है, डिबेंचर, तो 54F के अकॉर्डिंग पहले पैसा किसका इन्वेस्ट किया जाएगा, डिबेंचर का, इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन, हाउस की परसेंटेज नहीं निकलेगी बच्चे, आपने हाउस बेच के ही क्या ले लिया हाउस, सर आपने जो एग्जांपल कराई थी उसमें तो तीनों भी निकाली थी, वहां घर नहीं था, वहां शेयर थे, प्लॉट था, ज्वेलरी था, घर नहीं था, वहां घर नहीं था, अभी एग्जाम्पल दिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो, वहां एग्जाम्पल में तीनों चीजें अलग अलग थी, घर नहीं था पर ले कह रहे थे घर, तो फिर तीनों की परसेंटेज निकली, परसेंटेज वाइज हमने वहां पे पैसा क्या किया था इन्वेस्ट। अब आपने कहा आपके पास कितनी लिमिट पड़ी है मुझे बताओ, 957 कितनी पड़ी है जी, 100, अगर मैं 4 लाख का 4 लाख डिबेंचर का इन्वेस्ट कर दूं
तो आप समझ सकती हैं मेरा सारे का सारा गेन, 2 लाख का 2 लाख गेन है, रिश्वा क्या हो जाएगा, निल। बट कौन से सेक्शन में आपको बताना चाहिए, 54F। अभी भी 957,100 में से 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद कितना बच रहा है, 457,100। और जबकि प्लॉट पे आपको कितना कंसिडरेशन आया था मुझे सोच के बताएंगे, 4। प्लॉट पे कितना कंसिडरेशन आया था, 4। अगर ये मैं 4 का 4 यहां पे भी इन्वेस्ट कर देता हूं अगेन इसमें से, बल्कि अभी भी पैसे मेरे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, बट मेरा उल्टा कैपिटल गेन सारा क्या हो जाएगा, फिनिश। तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी कैपिटल गेन नहीं बच रहा, रीजन दैट उल्टा ज्यादा ही पैसे आप ऑलरेडी क्या करके बैठी हैं, इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो ये 50 जो बनता है 16,372 जो भी, ये भी अल्टीमेट क्या हो जाएगा जी, तो कुल मिला के तीनों कैपिटल गेन नील हो गए। बट तीनों के कैपिटल गेन नील होने का कारण डिफरेंट डिफरेंट है। पहले 54 ने नील करा घर को कि तू तो नील हो जा, फिर आपने कहा सर एक्चुअली तो आप 16 लाख इन्वेस्ट करे, माफ तो आपने मुझे 642 करा, अगर मैं क्या करूं, लो ये कहता है जितना गेन और इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, पर आप चिंता मत कीजिए आपका पैसा वेस्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि आपने और भी कुछ बेचा है। मैं मान के चलूंगा आपने जो 16 लाख इन्वेस्ट करे हैं उनका भी कुछ ना कुछ उसके अंदर योगदान है, बट इतने में आप बोल पड़े 1-20 के मैंने बॉन्ड्स भी लिए हैं। मैं बॉन्ड्स तो फिर एक ही जगह से मिलेंगे, कहाँ पे, प्लॉट, तो प्लॉट बेच के ही बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, तो वो भी माइनस कर दिया। तो प्लॉट पे गेन बचा 16 समथिंग और डिवेंचर भी तो पड़े थे 2 लाख, और जो लिमिट यूज नहीं हो पाई मैंने परसेंटेज निकलवाई, परसेंटेज डिवेंचर की अच्छी आई, तो पहला हमने 4 लाख तक को पैसे अगर कर्ज होते, बच्चा कहता ये तो फिर पति था सारा, माफ तो हो गया, फिर करने की जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करे होते कम। तो आपने इन्वेस्ट ही कितने करे यहाँ पे, 16 लाख, समझे बात को, आपने इन्वेस्ट कितने करे यहाँ पे, 16। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करे होते कितने, 12। इस 12 में से पहले आप क्या माफ कराती, जल्दी बोलना, 642,900 करके देखिए माइनस, 12 लाख में से, अगर 12 माफ होता अगले क्वेश्चन में यही फर्क है, 12 लाख में से कितना माइनस करती, 642,900 कितना था, 557। फिर आप मुझे सोच के बताओ बिना परसेंटेज के आप कैसे बताती कि मैं पहले 4 लाख कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, 54 है तो ये कहता है जितना पैसा आया अगर उतना ही इन्वेस्ट करोगे तो सारे का सारा गेन क्या होगा, माफ होगा। फिर आपको बिना परसेंटेज कैसे पता चल जाता किसका गेन ज्यादा है किसका गेन कम, और ये तो फिर भी चलो पता चल जाता कि 4 लाख के पीछे कितना गेन है, 2 लाख, ये 4 लाख के पीछे कितना गेन है, 1/36, तो पता चल ही रहा है वही ज्यादा है, पर जरूरी तो नहीं पेपर में दोनों की कंसिडरेशन सेम हो, दोनों की सेम हो। तो आपने परसेंटेज निकाल के फिर क्या करना था यहाँ पे, इसी का 4 लाख पहले आप डिवेंचर में से यूज करती, डिवेंचर का सारा गेन माफ होता, 557 में से कितना यूज हो पाता, जल्दी बोलना, सिर्फ 4 लाख, अभी भी कितना बचता, 157, बट आए कितने थे प्लॉट से ये बताओ मुझे, 4 लाख, तो फिर कम माफ होता, सारा माफ नहीं हो पाता। अगर मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊं, देखने में आपको 28 और 29 दोनों सेम लगेंगे, 1 मिनट के लिए रीड कर लीजिए, घर जाके इसको ट्राई कराइए, इसने वही चेक कर लीजिए फटाफट। टू ऑन करता है टू हाउसेस, वन एट लुधियाना अदर एट चंडीगढ़, समेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हाउस बेचा, प्लॉट बेचा, ज्वेलरी बेची आज, तो ज्वेलरी भी 2004 की है तो लॉन्ग टर्म, और प्लॉट भी 2002 का है लॉन्ग टर्म, घर भी लॉन्ग टर्म, बट डेट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट FMV सब दिया हुआ है, ये आपका काम है, डेट ऑफ सेल प्राइस सब दिया हुआ, चुपचाप तीनों का पहले तो गेन आ जाएगा। दिक्कत ये है इसने फिर क्या खरीदा, तो आप कहेंगे पहले तो भाई तू माफ हो जाए, हाउस का जो गेन आने वाला है, और इन्वेस्ट कितने करे आपने, अब पता नहीं गेन कितना आएगा, अगर मैं आंसर वाइज चलूँ तो गेन बड़ा छोटा आ रहा है, अब आपके सामने देखो गेन कितना आ रहा है, सिर्फ 249, तो आप 13 लाख को 249 में कौन सा माफ करेंगे, विच एवर इज लोअर 249, बट 13 लाख तो यूज हुआ नहीं, उस 13 लाख में से सिर्फ कितना यूज हुआ, 249, कितना आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, 200, 10 लाख समथिंग बच जाएंगे, 10,50,800 ऐसा कुछ बचेगा शायद, 10,50,800, इसको कहाँ यूज करेंगी और कैसे यूज करेंगी, क्योंकि बेचा आपने बच्चे प्लॉट भी है 3.5 का, नहीं सॉरी बेचने का रेट तो ये रहा 12.90 का, और दोस्त ये वो क्वेश्चन आ गया जहां मैं कहना चाहता था पिछले क्वेश्चन में, पॉइंट क्यों नहीं खास आया, मजेदार पॉइंट है, क्यों 16 लाख इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, समझो बात को, 16 लाख इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया उसमें गेन भी माफ हो गया, और अगली दो एसेट्स की जो बनती थी सेल प्राइस वो भी माइनस हो गई, फिर भी पैसा खत्म
नहीं हुआ। यहां उल्टा है, जो मेरी एग्जांपल है 12 लाख वाली, यहां इसने कितना इन्वेस्ट करे, 13 लाख, 13 लाख इन्वेस्ट करे, बट 13 लाख में से 249 तो आप माफ करा, तो बचा कितना 1050, 800, बट पैसे कितने आए बेचकर ये बताओ, 1290 और 200, ये बनते हैं कम से कम आपके 15 लाख के करीब, और हैं कितने जेब में, 10 लाख के करीब। तो कैसे कैसे यूज करेंगी और किस में से कितना यूज करेंगी, ये आपको परसेंटेज वाइज ही डिसीजन करना पड़ेगा, परसेंटेज निकाल के किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, पहले पैसा वो यूज करेगा। अब इसमें फिर उसने 50,000 के क्या ले लिया जल्दी बोलो, अब बॉन्ड्स को कौन यूज कर पाएगा, सिर्फ, और तो कोई यूज कर नहीं सकता, ये पॉइंट है। और इसके बाद डन खत्म, और ये रहा 29 वंश, डिट्टो फिर सेम आ गया। तो मैं आपको टिक करवाता हूँ, हाउस है, ज्वेलरी है, बच्चे, फिर वही लिस्टेड है, तो कॉपी है भाई, ये तो अमाउंट भी मिलती जुलती थोड़ी सी लग रही है। हाँ, इसने इन्वेस्ट जानबूझ के यहाँ पे कितने करे, वही समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए, कोई फर्क नहीं, डिट्टो सारा सेम है, वही बॉन्ड्स लिए 14-11 को लिए, सब नीचे आंसर उनसर सब दिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं। ये क्वेश्चन को आपने बना के देखना, तो मैं कहूंगा अगर बना के देखो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कर लो, एक क्वेश्चन है, एक कर लो, 29 लोग घर पे कर लेना, मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ना इसमें पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये डाउट है बस, ये आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट एक। लास्ट करिए, फिनिश करते हैं फिर आप, 28 है। हाँ जी, कहाँ पे जी, बोलिए। हेलो बच्चे, पैसे ही आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे, 54F क्या कहता है कि जितना पैसा आया अगर उतना ही इन्वेस्ट कर देती है सारा गेन। अब आपके पास पैसा कितना पड़ा था, 1057, और आपके पास आया ही कितना था, सिर्फ कमी, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर लगा के देखेंगी तो फॉर्मूला क्या करेंगे, सोचो 2 लाख डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 4 लाख, कटिंग करके 2 ही आ जाएगा, मतलब जहां पैसा कम होगा वहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी अभी तो करा रहा हूँ कुछ आपको, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये पहले तो आप मुझे काम करेंगे, सभी लोग तीनों गेन निकाल के देंगे लाइन में, ऐसे करना, पर्टिकुलर्स, हाउस, प्लॉट, ज्वेलरी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, पहले कह रहा हूं, ध्यान से करना है इसको, पर्टिकुलर्स, हाउस, प्लॉट, ज्वेलरी, जल्दी खत्म करते हैं इसको बच्चे, आज मेन मेन लिए अगर हो जाएगा, फिर आपके शेयर्स के रह जाएंगे, वो एक ही दिन क्लास ले करा दूंगा सारे इकट्ठे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, पहले तो तीनों का गेन निकालो नॉर्मली, और तीनों इंडेक्स होंगे इस बार, तो कोई डिवेंचर नहीं है, कोई शेयर नहीं है बच्चे, कोई पॉइंट है, मेन तो जो ये परसेंटेज निकालता है, मुझे वही डाउट देखना था, ये ईसी माइनस करने से पहले निकालता है परसेंटेज, कोई नहीं, अब तीनों का गेन निकाल के दो मुझे, तीनों का। क्वेश्चन नंबर 28 है, नहीं यही नाम है जी, ठीक है, इनकी सेल प्राइस एक बार लिखवा दो, वैसे काम तो नहीं आएगा। हाउस की सेल प्राइस क्या है, हाउस की FOC 25 लाख, और प्लॉट की बचे, हाँ अच्छा जो सेल करके आया है, ठीक है, और ज्वेलरी की 2 लाख, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, सीधा मुझे यहाँ पे आप गेन बताओ बस, अगर आपने सॉल्व किया हो आराम से देखना जी, मैं स्टेप गायब कर दिया इंडेक्स वाला, वो आप करना, मैं सीधा गेन पे आ गया। 249 कितना है जी, 200, ठीक है,
प्लॉट पे क्या गिना रहा है, यही कह रहे हो। 186667 कह रहे हैं अगला जी, 4566। पहले देख लो, मैं सीधा गेंद पे आ गया। इतना तो कर लिया होगा सभी ने यार, इंडेक्स करना था, कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। बोलो यहां तक हो गया सभी का, गेन आ गया। अब सुनो, पहले तो आपा माफ करते हैं अंडर सेक्शन 54, सॉरी अकेला 54। कौन सा होता है? घर बेच के घर लेना। लॉ क्या कहता है? पहले इस पे रहना, इससे बेटर बेटर कुछ नहीं करा सकता। इसमें थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है इलस्ट्रेशन के अलावा। अभी तो कैपिटल गेन और सी एन ए, विच एवर इज लोअर, जितना गेन है और सी एन ए है कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, विच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन कितना था आपका? 249, कितना? 200। और नया घर कितने का लिया देखिए तो? 13 था, 13 लाख। तो विच एवरेज क्या आ जाएगा? लोअर, 249 200। ये तो हो गया नील, इतना तो चल घर अपने देख लो आराम से। पहले तो 54 क्यों लगाया? घर बेच के घर, यहाँ नाम चेंज कर दो, शेयर बोल दो ऊपर, तो यहाँ 54 एफ आता डे वन से। फिर मैं काम और करता, इन तीनों की सबसे पहले तो क्या निकालता? परसेंटेज। फिर चलते अभी करेंगे, अभी करेंगे। ये हो गया, एक लिमिट निकाल दो, इन्वेस्ट कितने करे थे ये बताओ। 13 माफ तो जबकि कितना करा पाए सिर्फ? अभी तो इतनी लिमिट पेंडिंग है, देख के बताओ कितना आता है। ये लिमिट पेंडिंग है, दिमाग में रखना बस, कि मुझे अगर सारा गेन माफ कराना है ना, वैसे बताऊं आपको, मैं सारा गेन माफ कराना है तो 54F कहता है इतना पैसा आपके पास जो आया है क्या कर दो। पर इतना तो है नहीं मेरे पास, 12.90 और 2.80 तो बनता है कम से कम, 15.70 बनता है, 15.70 80 बनता है। मेरे पास तो है ही कितना, 10 लाख समथिंग। तो अब मुझे लेना पड़ेगा परसेंटेज का सहारा। बट लगे हाथ एक काम कर देते हैं छोटू सा, वो है 54EC, इतू का बीच में आ रहा है। ईसी ने कितने के बॉन्ड्स लिए थे? 50,000 के। बस टाइम नोट कर लेना। ये क्या बेच के लेने होते हैं बॉन्ड्स? प्लॉट, प्लॉट बेचा कब है ये बता। 16/6 बजे, 16/6/22, 16/6/22 में 6 महीने, 16/6, 15 दिसंबर भाई, 15 दिसंबर और 12 दिसंबर को ले रहा है। ठीक है, ये भी जरूरी है, तो तू तो आ जा पहले, फिर तुझे एक काम में बैठते हैं। यही लिख दूं इसके नीचे, 50,000 के बॉन्ड है बचे, 54EC, तू तो चल घर। 50,000 इसको भेज दिया घर पे, कितना बचा ये तो? 1,36,667। यही बंदा चेक करे ना, उसका तो चलो बैठा ही है 45,667। अब दोनों की हमें निकालनी है परसेंटेज, यहां पे आ जाओ, परसेंटेज ऑफ गेन किस किस की? प्लॉट की, और दूसरा कौन था? ज्वेलरी का पहले निकाल के दो मुझे, 45 समथिंग क्या बनता है, 14 कितना जी? 45,664 है बच्चे, यही था देख लो। डिवाइड बाय कितने के पीछे था? 220, 16.30%। इसका जो प्लॉट का क्या हालचाल है? यहाँ एक डाउट क्या आता है, जो मेरा डाउट था कि हमें 1,36 को परसेंटेज, अब तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम ही है ना, फर्क है। पहले तो पिछले क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ गई थी चेक करो, पिछले क्वेश्चन में दोनों की कंसंट्रेशन क्या थी? सेम, चार चार, पता नहीं चलता था। अब दोनों अलग अलग है, इसमें आपकी बुक करती है परसेंटेज ऊपर वाले गेन की, ये वाले स्टार मार्क होती है। कितना गेन हुआ था बेसिक मुझे बताएंगे, 186 क्या था ये था, in 200 डिवाइड बाय कितना है? 12.90 बताओ, 14.47%। आराम से कर लो, मैं प्रो कर रहा हूँ, ये स्पेशल क्वेश्चन है। घर बेच के घर ले रहे हो तो वहां परसेंटेज भी नहीं आ रहा, वो 54 में माफ हो गया और 249 200 माफ हो गया, बाकी 10,50,800 बच गए। अब उस 10,50,800 को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो ये बताएगा। अब कैसे सुनना, ये हो गया परसेंटेज आएगी। परसेंटेज में डाउट क्या है? ज्वेलरी से डाउट का गेम ही, ज्वेलरी में कितने कमाए? 45,664 कितने के पीछे? 280 के पीछे, in 200 16 point something। इसमें परसेंटेज में इसी को लेना, 50,000 माइनस करने के बाद नहीं लेना, पहले गेन पे, बेसिक गेन पे कितना परसेंटेज है। अब क्या पता चला किसकी परसेंटेज ज्यादा, ये बताओ। तो हमें पहला पैसा किसका इन्वेस्ट करना चाहिए? ज्वेलरी, ज्वेलरी से आया कितना था ये बताओ पहले, 2C।
तो यशिका जो आपका डाउट है वो बोलना चाहता हूँ, अगर आप 280 का 280 इन्वेस्ट कर देती हैं, सारा वैसे तो पैसे पड़े हैं आपके पास 10 लाख समथिंग पड़े हैं, अगर 280 इन्वेस्ट कर देती हैं तो ये सारे का सारा 45,664 क्या हो जाएगा, नील। तो ये 280 कहाँ से इन्वेस्ट करेंगी मुझे ये बताइएगा, यहाँ से अभी भी लिमिट कितनी बच गई मुझे बताओ, अगर 280 यूज भी कर लो वो नील हो गया बट, तो कितनी लिमिट बच रही है मुझे बताएंगे, 7, 78 778 हाँ जी, 7, 17, 800। देखो पहले तो ये देखो आराम से, डन है देख लो आराम से, पहले 54 दिया, फिर इसी प्लॉट में से मिल सकता था, ज्वेलरी से तो मिलते ही नहीं यार, तो मैं उधर गया ही नहीं, आप कहते सर उधर क्यों नहीं गए, और आपने 54F क्या कहता है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एरो दे करके, याद रहे आपको घर पे 54F क्या कहता है, जितना पैसा आया सारे के सारा इन्वेस्ट कर दो तो मैं सारा गेन माफ कर दूंगा। अगर फॉर्मूला सुनना चाहते हो तो आप जानते हो, कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, 280 कटिंग करोगे तो सेम ही आ जाएगा। अब चक्कर पड़ रहा है इस बंदे का, क्या आपने कितने पैसे इन्वेस्ट करे मुझे बताइएगा, 7, 70, 800 जो भी हैं, पर ये आए कितने के पीछे थे, अगर आप फॉर्मूला करें 7, 70, 800 इन्वेस्ट करे आए कितने के पीछे थे, 1290 आए कितने पीछे थे, 1290। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहले तो ये देखो इसने माफ कर दिया अपना है कितना था, तुम्हारे प्रॉफिट गेन बोलोगे 186 क्या था, अच्छा इनटू आप कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, नहीं, 770 कर रही है ना, हाँ वही कर रहे हैं, वही डाउट है छोटा सा एक, ये 770 800 ही है ना वो, हेलो तो आपका कितना गेन था, यहां कर दूं 186 यही था, तो इसका प्रपोर्शन निकाल दो कितना बनता है 186, देखो परसेंटेज भी उसी की निकाली थी यार, याद करने का तरीका 186 की, और माप भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, 186667 डिवाइड बाय 1290 इंटू 770 800, तो ये क्या आ रहा है जी मेरा आ रहा है ये 1555 37, इतना ही माफ कर पाऊंगा, देखो ये पहला क्वेश्चन आया, पिछले में सारे ही माफ हो गया था, क्योंकि 22-8 लाख थे और जेब में पड़े थे कम से कम वहां पे अपने कितने थे यहाँ पे, नहीं 9, 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
क्वेश्चन बचे थे। तो ये सारा माफ हो गया। अभी भी कितना बच गया ये बताइए, 1,36,667 में से 111,537 बचे, 25,130 बच गया। अब इतने पे तो आपको यशी का टैक्स देना ही पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म चेक कर लीजिए, मतलब मेरी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। अगर आया तो डायरेक्ट आएगा, पता नहीं चलता लॉटरी का भी, इधर 15 में दीजिए 10 में दीजिए, तो आप कहेंगे सर अगर आता है ना तो कुछ भी नहीं करना आपके सामने है। हाँ पहले 54 माफ कर देना घर, अगर इलस्ट्रेशन आई वो तीनों की परसेंटेज निकाल के पहले कहाँ तो यार यूज करते हैं जैसे लिमिट हम लोग ना, ये पहले यहाँ यूज कर लो, फिर यहाँ यूज कर लो, फिर लास्ट वन जहाँ यूज करोगे। देख लीजिए मेरी तरफ से मेन मेन था। अब शेयर्स वाले आपके दो तीन क्वेश्चंस रहते हैं, एक दिन बैठ के आप वो कर देंगे, बस इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, पर वो तो आधे दिन में भी हो जाएंगे आराम से। उसी के दिन अदर सोर्स के एक दो क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे, एक दो और, तो उसमें कोई ना कोई डाउट रहता है। थ्योरी अपने एंड पे मैं दोबारा कहूंगा, कैपिटल गेन की ट्रांसफर क्या है, कौन सी एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं है, ये पांच तो मैंने आपको पढ़ाई दिए थे, ये डब्बे पांच। वैसे तो मैं बताऊं इसको यहां से पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो बेस के लिए काम आएगा आपके। जो मैंने 5 करोड़ की बुक ली हुई है उसमें से थ्योरी आपको मिल जाएगी, बड़ा बुकिश लैंग्वेज है, उसको लेंथ बनाने के काम आ जाएगी आपके, ये लेंथ बनाने के काम से कम रहेगी, क्योंकि ये चलता है प्रैक्टिकल अप्रोच, इस वजह से बड़े की काफी काम आएगा आपके। दाना जी ठीक है, चलिए सर, ओके थैंक यू, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।